केंद्र व राज्य सरकार पत्रकारों को सुरक्षा और सम्मान देने के लिए लगातार कार्यरत है। उसके बाद भी पत्रकारों पर जान से मारने के हमले कम होते दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा ही एक मामला जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे के रोंडा झोंडा क्षेत्र से निकल कर सामने आया है, जहां पर पिछले काफी समय से दबंग खनन माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन का कारोबार कर रहे थे, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों व किसान यूनियन के नेताओं ने अवैध खनन की शिकायत जिले के आला अधिकारियों से लेकर स्थानीय पुलिस तक से की थी। लेकिन आज तक कोई सख्त कार्यवाही खनन माफियाओं के खिलाफ नहीं हुई, जिसमें खनन माफिया स्थानीय पुलिस को भी खुली चुनौती देकर पुरानी परमिशन से ही दिन रात धड़ल्ले से अवैध खनन का कारोबार कर रहे थे। पिछले एक वर्ष से शासन व प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे। शनिवार दोपहर में अवैध खनन की सूचना पर कवरेज करने पहुंचे टीवी चैनलों व समाचार पत्र के पत्रकारों पर जान से मारने की नियत से दबंग खनन माफियाओं ने पत्रकारों को ट्रैक्टर से रौंद दिया, जिससे पत्रकारों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। दबंग खनन माफिया अर्जुन पुत्र देवेंद्र, देवेंद्र पुत्र चंद्रपाल दोनों ही बड़े खनन माफिया हैं और फोन करके पत्रकारों को जान से मारने व आगे देख लेने की धमकी दे रहे हैं। समस्त पत्रकारों को जैसे ही अपने पत्रकार साथियों को जान से मारने की धमकी की जानकारी हुई तो सभी पत्रकारों में रोष व्याप्त हो गया और सभी पत्रकार मुंडा पांडे थाने में पहुंच गए, जिसकी सूचना थाना मुंडा पांडे पुलिस को दी। थाना अध्यक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खनन माफिया अर्जुन पुत्र देवेंद्र और देवेंद्र के खिलाफ संगीन धाराओं 1860, 307, 506 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। हालांकि पुलिस ने समाचार लिखे जाने तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। वहाँ पर अवैध खनन हो रहा था, मुझे सूचना मिली थी और मेरे साथी थे सोनू पत्रकार, हम पेशे से पत्रकार हैं दोनों लोग, नफ्ते टीवी चैनल देखता हूँ मैं। जब हम कवरेज करने गए तो वहाँ पर खनन माफिया ट्रैक्टर को वहाँ से लेकर भागा, हमने उसकी कवरेज करी। वहीं ट्रैक्टर खाली करने के बाद में उसने जो हमारे साथी सोनू पत्रकार उन पर पीछे ट्रैक्टर से बैक करने के बाद में गाड़ी पर चलाने का प्रयास किया, जिससे कि हम दोनों लोग कूद गए। हमने जैसे तैसे जान बचाई, मैंने वहाँ पर उसकी वीडियो बना ली, वो गाली बक रहा है और गाड़ी भी ट्रैक्टर मतलब गाड़ी पे चढ़ा रहा है। अब इसकी शिकायत हमने थाना अध्यक्ष जी की दी है। अब किसके संरक्षण में ये खनन चल रहा है? ये जो है हम तो ऐसे मानेंगे, जब वहाँ पर रोंडा चौकी है तो चौकी के सामने से ट्रैक्टर गुजर रहे हैं, होकर रातों दिन समथिंग 8-9 ट्रैक्टर चल रहे हैं वहाँ पर। और पिछले भी इस चौकी बहुत खबरों में चली है, हमने पहले भी खबर लगाई थी रोंडा झोंडा चौकी की, पहले भी खनन हुआ है यहाँ पर। गौरव दीक्षित थे, उन्होंने एक किसान से 3,000 रुपये ले लिए थे। जहाँ प्रशासन ये कहता है कि खनन को रोकने का हमारा काम नहीं है, मगर एक तरफ प्रशासन जो बैलगाड़ी होती है उनको रोकता है, जो कमजोर जो गरीब लोग हैं उनको रोकता है और खनन माफिया को छूट देता है। हमारे ऊपर हमला जो किया है देवेंद्र पुत्र अर्जुन ने किया है, वहीं देवेंद्र जो हैं उन्होंने हमारे सोनू भाई पत्रकार जो हैं उनको फ़ोन किया है और कहा है अपने आप अब खैरियत बता लो, तुम्हारा क्या होना है, जो तुमसे करना है तुम कर लो। अब हम यही प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमें इंसाफ मिले। अगर पत्रकार सच का आईना नहीं दिखा पाएगा तो फिर कौन दिखाएगा? पत्रकार पर आए दिन हमले होते रहते हैं, अक्सर खनन के मामलों पर ज़्यादा होते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की कोई कमी है, इसी वजह से पत्रकार पर हमले होते हैं। क्या कार्रवाई कराना चाहते हैं? हम ये कार्रवाई चाहते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ उन्हें जेल भेज दिया जाए। जो आ गए वो पत्रकार पर हमला न करा, उनके ट्रैक्टर सीज किए जाएं, अभी भी ट्रैक्टर चल रहा है। एक तरफ तहसीलदार का ये कहना है कि हम परमिशन नहीं दे रहे हैं और वो लोग झूठी परमिशन लेके मतलब फर्जी परमिशन खाने में दे जाते हैं और अपने कारोबार को अंजाम